मैं डीप लाइफ बैक अगेन विद अनदर वीडियो. और दिवाली का त्योहार आ रहा है और आप लोगों की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी. काफी सारी शॉपिंग करनी पड़ती है और मैंने भी काफी सारी शॉपिंग की है. एक्चुअली मैं कई सारी दिवालियों से पटाखे नहीं फोड़ रहा, मैंने फिफ्थ स्टैंडर्ड में ही पटाखे फोड़ना छोड़ दिया. तो यार इस दिवाली को अलग से मनाते हैं, कई सारे पटाखे फोड़ के नहीं पर कई सारी मीठी मिठाइयां खाकर, कई सारे अच्छे कपड़े पहन के. आप ऐसे कपड़ों में तो दिवाली मना नहीं सकते, इसलिए मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है और थोड़ी सी आइडियाज मैं दूंगा कि आप अगर एक पुरुष हो, अगर आप एक मेल हो तो आप दिवाली में क्या पहन सकते हो. तो इफ यू आर अ फीमेल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट विद योर डैड, शेयर इट विद योर ब्रदर, शेयर इट विद योर हस्बैंड, शेयर इट. तो आई विल जस्ट शो यू मैंने दिवाली के लिए मेरे लिए क्या क्या शॉपिंग की है. तो द फर्स्ट लुक दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज स्टार्टिंग आउट टू द फर्स्ट आउटफिट जो मैंने पहनी है वो है एक नेहरू जैकेट. तो नेहरू जैकेट एक काफ़ी वर्सेटाइल ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं है तो जाके इस दिवाली खरीद लीजिए, क्योंकि इसे आप शादियों में भी पहन सकते हैं, इसे अलग अलग ओकेजन्स में पहन सकते हैं इंडियन. और इसे मैंने पेयर किया है ब्लैक फॉर्मल शूज़ के साथ और ब्लैक फॉर्मल ट्राउजर्स के साथ. एंड बेल्ट काफ़ी सिंपल रखता हूँ मैं, इट शुड बी क्लासी. तो बकल्स ज़्यादा क्रेजी मत खरीदिएगा. सो दिस इज़ द सेम नेहरू जैकेट जो मैंने फैनफेस्ट ब्लॉग में पहना था. अगर आपने वो ब्लॉग देखा नहीं है तो मैं इसकी लिंक आई बटन में दे दूंगा. तो जो दूसरा आउटफिट मैं आपको दिखा रहा हूँ इट इंक्लूड्स अ व्हाइट शर्ट. तो व्हाइट शर्ट इज अ एसेंशियल इन एवरी मैन्स वार्डरोब, इट शुड बी सेल्फ टेक्सचर्ड, सो कुछ इस तरह से. तो जस्ट चेक आउट दिस आउटफिट, ये आउटफिट देख के आपको आइडिया आ जाएगी. हाय डीप लाइफ, पहचाना? हाँ आंटी पहचाना, आपको कैसे भूल सकता हूँ. तो मैंने इस दिवाली की शॉपिंग में ब्राउन लोफर्स खरीदे एंड इसलिए उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक ब्राउन बेल्ट खरीदा. तो दीज आर द लोफर्स दैट आई बॉट एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आई एग्जैक्टली गॉट द साइज दैट आई वांटेड. तो लोफर्स अगर आप खरीदेंगे तो आई प्रेफर के ऑफलाइन जाके खरीदिए, क्योंकि ऑनलाइन आपको इतनी क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं आएगा, कलर का अंदाजा नहीं आएगा. एंड द नेक्स्ट आउटफिट दैट आई एम गोइंग फॉर इज अ लॉन्ग कुर्ता. सो दिस कुर्ता आई बॉट फॉर अराउंड 750 rupees एंड इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल, काफ़ी लूज है एंड मुझे इतना ज़्यादा वेल फिटिंग, इतना टाइट कुर्तीज़ पहनना घर पे पसंद नहीं है. आई नो इफ आई एम गोइंग आउट समवेयर आई विल बाय अ प्रिटी ऑल्टर्ड कुर्ती. तो ये कुर्ता मैंने दादर से खरीदा है, दिस इज़ अ वेरी कम्फर्टेबल कॉटन कुर्ता, क्योंकि मेरे पास वक्त कम था. और ये कुर्ता यू कैन पेयर इट विथ योर जीन्स एंड उसके नीचे आप पहन सकते हैं लोफर्स. तो लोफर्स एक काफ़ी वर्सेटाइल ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं है तो खरीद लो. सो द नेक्स्ट आउटफिट ऑन द लिस्ट इज ऑल्सो अ लॉन्ग कुर्ता एंड इट इज़ अ पिंक कुर्ता. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई बॉट और ये काफ़ी कलरफुल है. आई नो मोस्ट ऑफ यू वॉन्ट गो फॉर द कलर पिंक बिकॉज आपके फ्रेंड्स आपको गे गे करके चिढ़ाएंगे, बट इफ यू हैव द पर्सनैलिटी, अगर आपको खुद में वो कॉन्फिडेंस है कि पिंक कलर आप कैरी कर सकते हो तो बेशक पिंक कलर काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है. आई पर्सनली प्रेफर द कलर पिंक. तो या इस दिवाली ज़्यादा बोल्ड कलर्स पहनिए, कलर्स से डरिए मत. जब आप कलर्स पहनते हो तो आपकी आउटफिट काफ़ी अट्रैक्टिव और रिच लगती है. लोफर्स वॉज ऑलवेज ऑन माई लिस्ट एंड आई परचेस्ड वन दिस दिवाली. तो यू कैन ऑल्सो पेयर दीज विद द लेदर फ्लिप फ्लॉप्स. तो अगर आपके पास लोफर्स नहीं है तो अपने लेदर फ्लिप फ्लॉप्स को आप कुर्तीज के साथ पेयर कर लो. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लेदर फ्लिप फ्लॉप्स काफ़ी सारे लोगों के घर पे होंगे, क्योंकि मेरे डैड तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो द नेक्स्ट आउटफिट जो मैं आपको दिखाने जाने वाला हूँ दैट इज़ अ तंत्र मंत्र कुर्ता और इस पे तंत्र मंत्र लिखे होते हैं एंड स्पेशली आउटफिट में पूजाज में पहनना पसंद करता हूँ. तो अगर आपके पास तंत्र मंत्र कुर्ता नहीं है तो खरीद लीजिए, इट लुक्स रियली कूल और काफ़ी फेस्टिव फील देता है. तो दीज वो द आउटफिट जो मैंने आपको बताई, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि विच वन इज योर फेवरेट. तो गाइज आई होप आपको थोड़ी आइडिया आ चुकी होगी कि आपको दिवाली के लिए क्या पहनना है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स को भर दीजिए एंड इफ यू रियली लव द मैन इन योर फैमिली ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, उनको भी तो दिवाली में थोड़ा सा खूबसूरत लगने दो. वैसे ये वीडियो काफी अलग होने वाला था, मैं सिर्फ आपको दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए वीडियो बनाने वाला था, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसमें कंटेंट ऐड कर दूं, जो सारी शॉपिंग की है मैं आपको दिखा दूं. और मैं काफी इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ कि यार प्लीज दिवाली में पटाखे ना फोड़े, पॉल्यूशन ना करे एंड मिठाइयाँ खाए ढेर सारी, अच्छे कपड़े पहने और दिवाली खूबसूरती से मनाए. वेल दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आर्ट रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ डीप लाइफ की तरफ से आपके फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए और आपके लिए दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं.